वन थर्ड माइनस प्लस दो इंच, ठीक है, वन थर्ड हुआ आठ प्लस दो है दस, दस इंच, और ये भी आपका दस इंच चलेगा, इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका हिप का वन थर्ड प्लस दो इंचेस, ठीक है, ये लिया, यहाँ पे आपका आएगा एक इंचेस नेफे के लिए, इस तरीके से देखिए नेफा, ठीक है, और यहाँ पे आपका है हिप का बारहवां भाग, यानी कि दो इंचेस हिप का बारहवां, यहाँ से यहाँ हिप का बारहवां, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बारहवां भाग, तो हिप का बारहवां भाग कितना आ रहा आपका, बारह चौबीस दो इंचेस, ठीक है, यहाँ से दो इंचेस यहाँ दो इंचेस, और इसको हम तिरछा मिला देंगे ऐसे, ठीक है, यूं कर देते हुए, अगर आपको लग रहा है शेप सही नहीं आ रही तो आप ऐसे करेंगे और फिर आप इसको इस तरीके से मिला देंगे। देखिए आपको लगेगा कि अगर आपका शेप सही नहीं आ रहा है तो आप यूं राउंड लाइए और इसको मिला दीजिए, ठीक है, ये आ गया। अब एक इंच अंदर को लेते हैं क्रॉस लेवल को, यहाँ पे एक इंच लगा है निशान और इस तरह से हम इसको तिरछा मिला देंगे ये, ठीक। अब यहाँ पे हम टर्निंग शो करेंगे, ड्राफ्टिंग में कभी भी टर्निंग अलग से नहीं लेते, हम एक इंच को यहाँ शो कर रहे हैं टर्निंग के लिए ये, ठीक है। अब ये तो आपकी हो गई, अब अच्छा आपका मियानी का सूत्र, तो मियानी का सूत्र क्या होता है, ये हमारा आएगा बारहवां भाग, हिप का बारहवां भाग और हिप का छठा भाग, ठीक है, तो हिप का बारहवां भाग कितना आ रहा है, बारह चौबीस दो इंचेस, और छठा भाग कितना आएगा, छह चौका चौबीस चार इंचेस, ठीक है, तो ये चीज लंबाई हमारी चार है और चौड़ाई हमारी दो है, और हम इसको तिरछा यूं मिला देंगे इस तरीके से, या आधा सूत्र लेते हैं और इसको हम हल्के से कर यूं दे देते हैं, और या तो हम इसमें निशान लगाते हैं आधा सूत्र इधर साइड से और हम करके कर देते हैं हल्का सा कर देते हैं। ये क्या है, ये हमारी म्यानी है, ये आपकी गार्मेंट्स की अंडरवेयर की म्यानी है।